आप देखो बहुत टाइम से अगर आप लोग चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपने डेव मेल्जर का नाम मुझे कई बार लेते हुए सुना होगा कि डेव मेल्जर की तरफ से ये रिपोर्ट है, उन्होंने कुछ ऐसा कहा है। अगर आपने डेव मेल्जर को अभी तक नहीं देखा तो देख सकते हो आप लोग, फोटो के अंदर आपको स्क्रीन पर देख रही होगी। तो डेव मेल्जर डब्ल्यूडब्ल्यूई या प्रो रेसलिंग के अंदर आप लोग कह सकते हो काफी पुराने जर्नलिस्ट हैं। इवन विंस मैकमैन के साथ भी इनके जो रिलेशन है वो पहले के टाइम में हुआ करते थे, नॉर्मल वाले, ठीक है। तो डेव मेल्जर के बारे मतलब अपडेट ये आई है जो कि WWE के ना एक्स राइटर ने रिवील करी कि कई बार जो विंस मैकमैन है वो उनको मतलब जो WWE के हायर अफसर की तरफ से उनको ये चीज़ पता लगती थी कि कुछ ऐसा करो कि जो मेल्जर है वो इम्प्रेस हो जाए, क्योंकि डेव मेल्जर का कुछ फेमस हो या फिर ना हो लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है और वो है उनके मैच की स्टार रेटिंग्स। अगर डेव मेल्जर की तरफ से स्टार रेटिंग मिल जाती है 5 स्टार की या फिर कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा भी देते हैं और बहुत ही अच्छा होता है, तो विंस मैकमैन की नज़र में कई बार ऐसा कहा मतलब उनकी नज़र में डेव मेल्जर को इम्प्रेस करना मतलब कि हाँ कि चलो हमने कुछ अच्छी चीज़ शो के ऊपर पुट ऑन करी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेल्जर सब कुछ, आई थिंक इसके पीछे एक रीज़न ये है जो कि मुझे लगा नहीं था कि ऐसा होगा, बट ऐसा है कि सच में मीडिया में देखा जाता है कि मेल्जर की रेटिंग को के हिसाब से एक मैच को कि हाँ वो अच्छा था या फिर बुरा। तो शायद ये विंस मैकमैन इसलिए करते होंगे कि हाँ अगर मेल्जर ने इसको अच्छी रेटिंग दे दी तो जो सारे लोग मेल्जर को फॉलो करते हैं या फिर क्योंकि मेल्जर का नाम है तो इस वजह से हमारे भी जो मैच है उनको कुछ हाइप वगैरह मिल जाएगी या फिर लोग उसको देखने जाएंगे अगर नहीं देखा पुराना। तो ये मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बात लगी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। बाकी मुझे लगता नहीं आप में से किसी ने डेव मेल्जर को देखी होगी, उनकी शक्ल आज मैंने आपको दिखा दी। नेक्स्ट बात करते हैं इज़राइल अडेसानिया के बारे में, जो कि आपको पता है UFC MMA के अंदर अपना काफ़ी नाम बना चुके हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने जहाँ मैंने आपको बताया था स्टेफनी मैकमैन और ये सब गए थे विंस मैकमैन, वहाँ पर जो UFC 276 आई थिंक वो वहाँ पर उन्होंने एंट्रेंस करी थी अंडरटेकर की तरह, उस वजह से भी WWE के फैंस की जो अटेंशन है वो उनके ऊपर गई। अब रिसेंटली उन्होंने इंटरव्यू के अंदर इस बात को भी कहा है कि वो WWE के अंदर डेफिनेटली आने वाले हैं। उन्होंने ये क्लियरली कहा था कि मैं फुल टाइम तरीके से नहीं आऊँगा, मैं अपने मतलब क्योंकि उनको WWE बचपन से ही पसंद है, वो ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो कैसे वो शूटिंग स्टार्स वगैरह लगाते थे जो WWE के अंदर हम मूव देखते हैं, प्रो रेसलिंग के अंदर मूव देखते हैं, WWE से उन्होंने देखा, तो इस पर उनका ये कहना था। अडेसानिया वैसे इस समय काफ़ी अट्रैक्शन बना हुआ है मेन स्ट्रीम के अंदर, अगर हम कॉम्बैट स्पोर्ट की बात करें तो डेफिनेटली जैसे सिमिलर आप लोग देख सकते हो टायसन फ्यूरी, जैसे टायसन फ्यूरी के आने से आपको पता है कि WWE को काफ़ी सारी जो बॉक्सिंग वाली ऑडियंस है वो मिली थी, क्योंकि है तो ये सारे कॉम्बैट स्पोर्ट ही जहाँ पर तुमको अपनी बल प्रदर्शन करना होता है। हालांकि WWE सबसे थोड़ा यूनिक अलग है क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट वाला स्पोर्ट है, मतलब जहाँ पे स्टोर लाइन चलती है, तो ये चीज़ जो है आपको देखने को मिल जाएगी कि अडेसानिया आ सकते हैं WWE के अंदर। हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम हो, बट हाँ उनका डेफिनेटली WWE में आने का मन है और विंस मैकमैन तो खुले हाथों से उनको एक्सेप्ट करेंगे WWE के अंदर। कॉर्बिन ने आके पैट मैकेफी के ऊपर अटैक कर दिया और समर स्लैम के ऊपर ये जो मैच है वो ऑफिशियल हो गया। तो इसके बाद अब जो पैट मैकेफी हैं उन्होंने भी कुछ कहा है कॉर्बिन के बारे में, उन्होंने ये ट्वीट किया जहाँ पर उन्होंने वीडियो भी लगाई हुई है जहाँ पर कॉर्बिन के ऊपर एंड ऑफ डेज लगा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि भैया देखो अभी तो फिलहाल मैं अपनी जो बैक और नेक है उसको आराम दे रहा हूँ क्योंकि वो जो डरपोक कॉर्बिन है उसने मेरे ऊपर अटैक किया था जब मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो बम एस कॉर्बिन है वो ठीक होगा समर स्लैम के बाद में। तो ये क्लियरली एक वार्निंग एक मैसेज दे दिया है कॉर्बिन ने, नहीं सॉरी मैं पैट मैकेफी ने कॉर्बिन के लिए। अब मेरे ख्याल से इस राइवलरी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने का काम पैट मैकेफी का होने वाला है, कॉर्बिन को पूरा क्रेडिट देंगे उसके लिए, लेकिन क्योंकि एक इतना बड़ा फैंस का पसंदीदा और एक ऐसा जिसको फैंस इतना ज़्यादा हेट करते हैं, तो आई थिंक मज़ा आएगा इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा देखने में जब इनकी राइवलरी हमको वैसे स्टार्ट हो गई है और स्टोर लाइन भी WWE समर स्लैम के लिए शुरू कर देगी। थ्योरी के बारे में बात करते हैं, तो अभी आपको पता है रिसेंटली थ्योरी के बारे में बहुत सारी बातें हुई, उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, क्रिटिसिज्म मिल रहा है स्पेशली इसलिए क्योंकि सभी ने अरमान जताए थे इंक्लूडिंग मी कि सेथ रॉलिंस जो है जीतेंगे और वो जीते नहीं, तो फिर बहुत सारे लोगों का जो हेट है वो थ्योरी के ऊपर आ गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा कुछ भी ऐसा कुछ पर्सपेक्टिव हो उनको लेकर कि इसको मतलब ये क्यों ही मतलब गलत है वो, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं कि थ्योरी से हम कुछ चीज़ उनका क्रेडिट ले सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे एंटरटेनर हैं टेलीविजन के ऊपर, बहुत अच्छे तरीके से हील पर्सोना को प्ले करते हैं। तो इस पर बुकर टी ने ये कहा कि देखो जिस तरीके से थ्योरी इस समय परफॉर्म कर रहा है क्राउड पागल हो जाएगा जब थ्योरी का WWE बेबी फेस टर्न करेगी, फैंस उनको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और उस टाइम पर थ्योरी को सब लोग मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करने लगेंगे, बिल्कुल एक तगड़ा ट्रांजिशन होगा। सिमिलर आप लोग कह सकते हो बुकर टी कहना चाह रहे थे जैसे रोमन रेंस पहले फेस थे उनको कोई पसंद नहीं करता था लेकिन जब वो हील बने तो फैंस उनको पसंद किया, तो यही सिमिलर चीज़ आपको थ्योरी के साथ देखने को मिलेगी। और एक्चुअली मुझे लगता था उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की पोटेंशियल भी पता चलेगी, बट फिलहाल के तो मैं ये चाहता हूँ कि थ्योरी जो है अभी जैसे चल रहा है वैसे चले, बेबी फेस टर्न का दूर दूर तक होना ही नहीं चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल से वो ऐसा हील सच में है टेलीविजन के ऊपर जो कि फैंस को इरिटेट करता है
वो भी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ। एक तो होता है इरिटेट करना कि ये क्या कर रहा है बंदा, ये पागल वागल हो गया क्या, ऐसे हील तो WWE के अंदर बतेरे घूम रहे हैं, लेकिन जो थ्योरी है वो ऐसे हैं जो कि इरिटेट तो करते हैं लेकिन स्टोरी लाइन के हिसाब से। तो वो एक यूनिक चीज़ मुझे थ्योरी के अंदर दिखती है एंड डेफिनेटली उनका फ्यूचर ब्राइट है। इवन अगर मैं आपको बॉबी लैशली के कॉमेंट्स भी बताऊँ उनके बारे में, तो बॉबी लैशली के साथ ही उनकी राइवलरी चली है तो इसको तो फिर आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देखो जब बॉबी लैशली कह रहे हैं जब थ्योरी मेरी एज का हो जाएगा ना, तब उसके पास जो है तमाम पैसा तमाम शोहरत सब कुछ होगी और उस टाइम पर वो सुपर डुपर स्टार होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अभी उसके पास मल्टीपल टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप आनी बाकी है। इवन उन्होंने ये भी कहा कि हाँ सीना और ये रिक फ्लेयर का जो रिकॉर्ड है ना वो भी उसकी वो मतलब वो भी खतरे में है जिस तरीके से थ्योरी आने वाले टाइम में परफॉर्म करने वाले हैं। और साथ में वो कहते हैं दिस किड इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। तो इससे आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा लैशली खुद उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ भले स्टोरी लाइन के ऊपर तो हमको बताइए इनके जो है कितने ज़्यादा एक दूसरे के मतलब अगेंस्ट बोलते हैं, बट एक्चुअल में तारीफ कर रहे हैं बॉबी लैशली थ्योरी की। तो मेरे ख्याल से समझ जाना चाहिए जिसको नहीं भी समझ में आ रहा है कि थ्योरी के अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं कॉमेंट सेक्शन देख रहा था। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल में वो ओपिनियन दे रहा हूँ अपना भी नहीं बॉबी लैशली का, जो कि उन्होंने अपनी राइवल के बारे में कहा है। तो आई थिंक उनको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। हाँ डिसअपॉइंटिंग है अगेन कि उनके पास ब्रीफकेस आ गया है, मेरे ख्याल से वो सेथ रॉलिंस के पास आना चाहिए था। इंटरनेट के ऊपर एक वीडियो रैंडी ओर्टन की वाइफ ने डाली है, किम ओर्टन ने, और रैंडी ओर्टन बहुत गॉर्जियस लग रहे हैं। अब वीडियो क्या है, इस वीडियो के अंदर जो है एक फिल्टर किम ओर्टन लगा के दिखा रही है, और उसके बाद जब रैंडी ओर्टन के ऊपर फिल्टर लगाया तो चेहरे की चमक तो अलग, और साथ में जो रैंडी ओर्टन यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रहे हैं इस पर तो भाई रिएक्शन कुछ ज़बरदस्त ही आ रहे थे जो भी किम ओर्टन को फॉलो करते हैं। मतलब रैंडी ओर्टन इस समय WWE टेलीविजन के ऊपर तो नहीं है लेकिन उनकी लाइफ में मस्ती वगैरह चलती रहती है। आपको पता होगा मैंने एक टाइम बहुत पहले आपको वीडियो दिखाई थी जहाँ पर रैंडी ओर्टन नाच भी रहे थे और किम ओर्टन जो कि उनकी वाइफ ने उनको रिकॉर्ड कर लिया था, उस पर रिएक्शन भी आए थे। तो ये कुछ चलता रहता था रैंडी ओर्टन की तरफ से, कुछ फन वाली चीज़ थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं यहाँ पर बताने के लिए। दुखती रख पर हाथ कैसे रखते हैं, ये चीज़ WWE को बहुत अच्छी तरीके से पता है। आपको पता है कि हम जॉन सीना को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ मतलब समर स्लैम के लिए WWE मैच करवाएगी, उससे पहले हमको उनकी स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जॉन सीना तो कहीं आ ही नहीं रहे। लेकिन WWE ने अपने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया, और ट्वीट आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वो जॉन सीना को टैग करते हुए लिख रहे हैं और ऐसे सोचते हुए मुझे डू यू वॉन्ट टू सी हिम बैक इन एक्शन। मतलब ये कैसा सवाल है, ये तो ऐसा ही सवाल है कि तुम किसी बंदे से पूछो कि भाई क्या तुझे करोड़ों अरबों रुपए चाहिए अपनी जेब में, वो भी बिना किसी मेहनत के। मतलब मेरे ख्याल से 99.9% लोग तो एक्सेप्ट अग्री कर ही लेंगे इंक्लूडिंग मी कि हाँ भैया पैसे चाहिए। तो ये भी कुछ वैसा ही सवाल है कि मतलब अब कौन ऐसा है, मेरे ख्याल से इसमें तो 99.9% का भी चांस नहीं, 100% हर कोई बंदा देखना ही चाहेगा जॉन सीना को। मतलब क्यों नहीं, इतने टाइम से उन्होंने हमको एंटरटेन किया, उतने टाइम से वो टेलीविजन के ऊपर आ भी नहीं रहे हैं। तो ये पता नहीं कैसा सवाल है WWE का। अब ये सवाल पूछिए तो इससे तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अच्छा इसका मतलब जॉन सीना आ रहे हैं, क्योंकि प्लान्स तो थे थेरी और जॉन सीना के, अब वो शायद कैंसिल हो गए या फिर पता नहीं उसको WWE ने डिले कर दिया, उसके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं। लेकिन इस पोस्ट से मैं अब ज़्यादा कुछ मतलब निकालूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एक तरफ WWE ने जॉन सीना को लेकर आ रही है और पूछ ऐसे रही है जैसे उनको पता ही नहीं है, तो ये अलग ही सीन चल रहा है। अब क्या कहोगे आप, वैसे मैं भी आपसे पूछता हूँ कि आप जॉन सीना को एक्शन में दोबारा से देखना चाहोगे? आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं जो कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के समर स्लैम के लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच से जुड़ी हुई है। अब इस मैच में जीतेगा कौन, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। रोमन रेंस क्योंकि ट्राइबल चीफ इतने टाइम से चैंपियनशिप होल्ड करके रखे हुए हैं, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन चुके हैं, तो वो कैसे चैंपियनशिप हार जाएंगे, वो भी तब तक जब तक उनका रॉक से मैच नहीं हो जाता। दूसरा ब्रॉक लेसनर, अरे भाई तुम मतलब एक वर्ड आ रहा है मुझे तो कि WWE ने ब्रॉक लेसनर को नंगा कर दिया है, मतलब इतनी बार उन्होंने हरवा दिया है। मतलब रोमन रेंस हैं चलो सामने ठीक है, बट फिर भी इतनी, ये तो बिल्कुल ही जो टेलीविजन के ऊपर दम दिखता था ब्रॉक लेसनर का, इतनी ज़्यादा हार होने की वजह से अब उनको बहुत सारे लोगों ने सीरियसली ने भी छोड़ दिया कि अरे कुछ नहीं ये तो आता है हार जाता। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ को WWE ने इतने टाइम से जो इमेज बनाई थी ब्रॉक लेसनर की, उसको ऐसे उन्होंने चौपट कर दिया। हमेशा जब ब्रॉक लेसनर की किसी से फ्यूड होती थी हम कहते थे यार इसमें ब्रॉक लेसनर कैसे हार जाएगा, भले ही सामने कितना तगड़ा अपोनेंट होगा, लेकिन अब तो भैया लोग ऐसे छाते चौड़ी करके बोल देते हैं कि रोमन रेंस ही जीतेगा क्योंकि WWE ने ब्रॉक लेसनर का हाल ही ऐसा बना दिया। इस वजह से मेरे ख्याल से इस मैच का जो रिजल्ट है उसके ऊपर बहुत WWE को फोकस ध्यान एक बिल्कुल सही डिसीजन लेने की जरूरत है, क्योंकि WWE कह रही है लास्ट मैन स्टैंडिंग, मतलब लास्ट मैच है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का, लास्ट मैन स्टैंडिंग। तो अगर ये लास्ट मैच है तो क्या ब्रॉक लेसनर फिर हार जाएंगे रोमन रेंस के हाथों से? वेल अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑड्स फिर से कुछ ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि इस समय जो मैच को जीतने के लिए फेवरेट हैं वो रोमन रेंस हैं और ब्रॉक लेसनर अंडरडॉग हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को लेने के लिए रोमन रेंस है। अगर फिर से ब्रॉक लेसनर हार रहे हैं तो
मेरी फिर समझ के बाहर है कि ये चल क्या रहा है ब्रॉक लेसनर के साथ में। और नेक्स्ट टाइम अब जब WWE ब्रॉक लेसनर को बिल्ड करेगी किसी और फ्यूड के लिए, तो क्या ब्रॉक लेसनर को उस तरीके से लिया जाएगा जैसे आज से 2-3 साल पहले लिया जाता था, जब ब्रॉक लेसनर को हराना मतलब कि एक इम्पॉसिबल जैसी चीज़ लगती थी, लेकिन अब में वो रोमन रेंज कर रहे हैं। हाँ, रोमन रेंज का कैरेक्टर है, उसको भी WWE को दिखा के रखना है तगड़ा, उस बात से मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, बट पता नहीं अब आप क्या कहोगे इसके बारे में, रोमन या फिर ब्रॉक, किसको ज़्यादा जीत की जरूरत है इस मैच में, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।